अलीगढ़ की छर्रा सीट की, इसका गठन ही 2008 में हुआ था। 2012 में पहली बार हुए चुनाव में सपा के ठाकुर राकेश सिंह यहां से जीते थे और वहीं 2017 में इस सीट पर 56,134 वोटों के मार्जिन के साथ भाजपा के रविंद्र पाल सिंह ने कब्जा किया। भाजपा ने एक बार फिर सिटिंग विधायक रविंद्र पाल सिंह पर दाम लगाया और वहीं सपा ने महिला कार्ड खेलते हुए श्रीमती लक्ष्मी धनगर पर अपना दाम लगाया। बसपा ने छर्रा सीट से यादव कार्ड खेला है, यहां से तिलकराज यादव को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए अखिलेश शर्मा को मैदान में उतारा है। और अब बात करेंगे अलीगढ़ की एक और बड़ी सीट, कोल सीट। यहां पर भाजपा का दबदबा रहा है, कायम रहा है। 1977 से लेकर अब तक भाजपा का कमल 5 बार यहां पर खेल चुका है और 2017 की बात करें तो 22.29% और 50,963 के भारी अंतर से भाजपा के अनिल पाराशर यहां से विधानसभा पहुंचे। वहीं दूसरे नंबर पर सपा के शाज इशाक रहे थे। और बात अगर 2022 की करें तो इस बार एक बार फिर भाजपा ने इस सीट से अनिल पाराशर को मैदान में उतारा है। सपा ने 2017 में रनर अप रहे शाज इशाक उर्फ अज्जू इशाक पर दाम लगाया है और बसपा ने वैश्य कार्ड खेला है, विवेक बंसल को यहां से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भी मुस्लिम चेहरे मोहम्मद बिलाल पर अपना दाम लगाया। और अब बात करेंगे अलीगढ़ की सबसे हॉट सीट कही जा रही इगलास सीट की। इगलास में 2017 में भाजपा का कमल खिला था और भाजपा के राजवीर सिंह दिलेर विधायक बनकर लखनऊ पहुंचे। 2019 में संसद पहुंचने पर 2020 में हुए उपचुनाव में भी यहां पर भाजपा की लहर कायम रही। भाजपा के राजकुमार सहयोगी यहां से जीते। भाजपा ने इस बार भी राजकुमार सहयोगी पर ही भरोसा जताया है। राजकुमार सहयोगी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय लोकदल ने वीरपाल सिंह दिवाकर को मैदान में उतारा है। बसपा ने दलित कार्ड खेला है, सुशील कुमार जाटव को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने प्रीति धनगर को मैदान में उतारकर महिला कार्ड खेला है। और फिर से एक बार प्रदीप जी के पास चलते हैं जो कि पश्चिमी यूपी के जानकार हैं और उनसे जानते हैं कि सर इस बार कौन सा मुद्दा, अगर अलीगढ़ के इन सातों विधानसभा क्षेत्रों की बात करें या पूरे अलीगढ़ की बात करें तो कौन सा मुद्दा जो आपको लगता है सबसे बड़ा हो सकता है और उसका प्रभाव वोटर्स के मूड पर सबसे ज्यादा हो सकता है? देखिए, वैसे तो भाजपा ने काफी विकास किया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर मुद्दा है तो बेरोजगारी का हो सकता है और उसमें थोड़ा सा ये जो पेपर बार बार लीक हो जाती थी जिसकी वजह से इनके जो भर्तियां रुक जाती हैं, सिर्फ बेरोजगारी मुद्दा हो सकता है और ये किसान आंदोलन का एक मुद्दा हो सकता है। बाकी कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जो चुनाव पर प्रभाव डालेंगे। और ये दोनों मुद्दे किसके फेवर में जा सकते हैं, क्या सत्ता के पक्ष में या सत्ता के विपक्ष में? शर्मा जी, ये देखिए, मैंने फिर वही कहा कि ये मुद्दे आज हैं लेकिन जिस दिन 10 फरवरी को जब वोटिंग का समय आएगा ये सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे और फिर हम जो है जातवाद और धर्म के नाम पर वोटिंग करते हैं वही रहेगा और ये कोई मुद्दे ज्यादा प्रभावी नहीं रहेंगे। सर, आपके टीवी सेट का वॉल्यूम जो है वो एक किस्म का हिंड्रेंस है, अगर उसको आप म्यूट करेंगे तो और बेहतर आवाज आपको भी आएगी और हमारे दर्शकों तक भी पहुंच पाएगी। शर्मा साहब जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर जातिगत या धार्मिक समीकरणों की बात करें तो वो अलीगढ़ में किस तरह से देखते हैं? जाति समीकरण और धार्मिक आधार पर भाजपा के फीवर में दिखाई दे रहा है इस समय, जो जाति का भी और धर्म के स्तर पे भी। लेकिन ये फिर भी अगर ये जाट वोट में कुछ थोड़ा सा भाजपा के कटने की संभावना है जी। इसके अलावा आपको जाति और धार्मिक समीकरण भाजपा के पक्ष में दिखाई दे? अलीगढ़ की, हाँ, ये अलीगढ़ में जो 7 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा का अच्छा प्रभाव दिख रहा है लेकिन 2 सीटों पर टक्कर थोड़ा कर रही हो सकती है।